हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका लेसन 3 है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव मैंने पार्ट 2 पढ़ा दिए थे। वैद्युत विभव के बारे में पार्ट 1 में बताया था, वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक पार्ट 2 में बताया है, ये पार्ट 3 है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जो फिजिक्स क्लास 12 में जो पेपर बनते हैं और उस पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं या व्यंजक आते हैं प्राप्त करने के लिए, तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन या तो ये आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यानी V का मान 0 होता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले वैद्युत कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग दो आवेश लेंगे, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। इस आवेश दो आवेश लिए प्लस क्यू माइनस क्यू और इस आवेश के मध्य बिंदु ओ ले लिया है। ठीक है, जिसकी दूरी मध्य बिंदु से क्या है स्मॉल एल है, यहाँ से स्मॉल एल यानी लंबाई क्या है 2L। तो ये बन गया हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसी संरचना जिसमें बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत द्विध्रुव बना लिया हमने कि एक तरफ प्लस क्यू आवेश एक तरफ माइनस क्यू आवेश मध्य बिंदु ओ। ठीक है, इसकी निरक्षीय स्थिति में मतलब अक्ष में ना हो, अक्ष का मतलब ये लाइन में, इसके निरक्ष में मतलब अक्ष में ना हो, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। जो मैंने डायग्राम में बनाई वही लाइन लिख दी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2L, एल और एल कितनी है 2L। तो आप लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई टू एल है। ठीक, इसके मध्य बिंदु ओ से, ये इसका मध्य बिंदु ओ है आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु ओ से क्या आर दूरी पर हमने कोई बिंदु ले लिया पी, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर ये स्मॉल आर मान लो इतनी दूरी आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है, क्योंकि निरक्षीय का है अच्छी कहता तो यहाँ से सीधी लाइन लेते। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत विभव वी का मान निकालता है। ठीक है, बस ये बात लिखनी है मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत विभव का मान विभव वी का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए को बी से मिलाएंगे, ए को पी से मिलाया बी को भी पी से मिला दिया ये। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कि ये आर है ये एल है, तो कर्ण के हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, क्योंकि ये लंब है ये आधार है तो ये कर्ण इतना हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो एपी की दूरी होगी वो कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी क्या होगी अंडर रूट सेम होगी क्योंकि ये भी आर है ये भी एल है ये भी आर है ये भी एल है, तो कर्ण जो होगा वो बराबर होगा। अब हम लोग लिखें यदि
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या हो, वी वन हो, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वी टू हो। तो हम लोग वी वन और वी टू के मान निकाल लें और टोटल वी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दें। क्या करेंगे, दोनों को ऐड। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वी वन हो तो वैद्युत विभव फार्मूला होता है, वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R, मतलब A से बिंदु P तक की दूरी, R मतलब A से P तक की दूरी। तो Q/ ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश था तो प्लस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। आर ये फार्मूला होता है ये वैद्युत विभव का व्यंजक का। तो वी वन क्या उतना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R, आर का मतलब बिंदु ए से पी तक की दूरी, यहाँ पे निकालना है विभव। आप निकालेंगे माइनस क्यू आवेश आवेश कारण, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यदि, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 हो तो V2 बराबर, सेम वही फार्मूला, 1/4πε0 माइनस क्यू है तो माइनस क्यू अपॉन आर, तो R की जगह माइनस क्यू क्या है, यानी BP, B से P तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको क्वेश्चन टू मान लिया। अब टोटल विभव निकालना बिंदु P पर, तो टोटल विभव जो होगा वो V1 प्लस V2 के योग के बराबर होगा, यानी इनका परिणामी क्या होगा V। यदि परिणामी विभव V हो तो नियमानुसार V बराबर फार्मूला क्या होता, V बराबर होता है V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, V2 क्या है, ये यहाँ पर रख देना है। तो V बराबर V1 की वैल्यू समीकरण एक से देखो बेटा, ये समीकरण एक से 1/4πε0 Q/ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2 की ये दी गई है माइनस वाली 1/4πε0 क्यू माइनस Q/R² प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 1/4πε0 Q/√R² प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 1/4πε0 Q/√R² प्लस एल स्क्वायर, ये देखिए। अब हम लोग को सेम दिख रहा है, यानी प्लस का एक माइनस का कितना बचा, जीरो। यहाँ पे V इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यही सिद्ध करना था, यहाँ लिख देना, और यही अतः वैद्युत विभव का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, यही सिद्ध करना था। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक निकालने के लिए क्या किया, सबसे फिर से सुन लो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 माना हमने फार्मूला, माइनस क्यू आवेश के कारण V2 माना, और दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, जीरो हो गया, जीरो जीरो। नोट कर लो बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही डेली अपडेट मिलती रहेगी आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा हुआ करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो आपको हमारे चैनल RI क्लास तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।